रेवाड़ी में सड़क में भ्रष्टाचार का मामला। जी हां, यह इस वक्त की बड़ी खबर। रेवाड़ी में सड़क भ्रष्टाचार का मामला, सेक्टर 3 और 4 में बनी सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क बनने के 2 दिन बाद निकली रोड़ियां, तो दो दिन बाद ही ये सड़क जो खराब होनी शुरू हो गई। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक मामले में जांच नहीं हुई है। तो रेवाड़ी में सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आप देखिए, ये 2 दिन पहले बनी सड़क है और उसका क्या हाल हो गया है। सेक्टर 3 और 4 में बनी है सड़क भ्रष्टाचार का शिकार। सड़क बनने के बाद 2 दिन बाद रोड़ियां जो है इनमें से निकलने लग गई। जनता टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच का भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक जांच नहीं शुरू हुई है। तो 2 दिन पहले निर्माण हुआ इस सड़क को बनाया गया, और उसके बाद आप देखिए 2 दिन बाद क्या हाल बने हुए हैं। सुरेंद्र गौर संवाददाता रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, 2 दिन भी ये सड़क जो है वो नहीं चल पाई है, और देख सकते हैं इसका हाल क्या बना हुआ है। जनता टीवी ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था, अधिकारियों ने आश्वासन तक दे दिया था, लेकिन यह आश्वासन ही बन के रह गया है। अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व ही ये सेक्टर 3 में ये सड़क बनाई गई थी, और 2 दिन बाद ही इसमें से भ्रष्टाचार की रोड़ियां निकलनी शुरू हो गई। अगर इससे पहले की बात करें तो सेक्टर 4 में भी इसी तरीके से रोड बनाया गया था, लेकिन उसमें भी इसी तरीके से रोड़ियां निकलने लगी थी। तब जनता टीवी ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी, और जब खबर दिखाए जाने के बाद उच्च अधिकारियों ने कहा था कि इसका संज्ञान लिया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी, लेकिन उसकी जांच तो हुई नहीं। लेकिन जो दूसरी सड़क अब बनाई गई है, इसमें भी रोड़ियां निकलनी शुरू हो गई। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने कहा कि उनके मामला संज्ञान में आया और जरूर जांच कर इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि पिछली जो सड़क थी उसमें भी इसी तरीके से रोड़ियां निकल गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर जांच नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार, ये जो 61 लाख रुपए इसके से लागत की ये सड़क बनाई गई थी, कहीं ना कहीं जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको कहीं ना कहीं पानी पिलाने का काम किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए।